बैक क्रॉस मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डोमिनेट जीन, इसमें हम देखते हैं डोमिनेट जीन के कंटेक्स्ट में। देखिए कोई हम मान लीजिए हमारे पास कोई एक वीट है, इसकी वैरायटी है मेरे पास ए, तो ये वैरायटी जो है ये उस रीजन की सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है और इसमें डिजीज़ लग गई है, ये रस्ट ससेप्टेबल बन चुकी है। अब देखिए, अब जब ये रस्ट ससेप्टेबल बन चुकी है तो इसमें मतलब कि जो जीन रस्ट को रोकने के लिए चाहिए था वो इसमें नहीं है, तो मेरे पास जो मैक्सिमम जो रस्ट रेजिस्टेंट वीट की वैरायटीज़ होंगी वो वाइल्ड वैरायटीज़ होती हैं। मैं वाइल्ड वैरायटीज़ को लाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए जो मतलब कि रस्ट ये डोमिनेट है कोई मेरी वैरायटी, वाइल्ड वैरायटी है ये, इसमें रस्ट रेजिस्टेंट जीन कैपिटल आर प्रेजेंट है। अब मैंने इस कैपिटल आर जीन को ट्रांसफ़र करना है किसमें, मेरी इस जो पॉपुलर वैरायटी थी ए, ठीक है। कैसे करूँगा मैं, देखिए जो मेरी ये पॉपुलर वैरायटी ए है इसमें मुझे ये भी इंश्योर करना होगा कि इसमें जो 99% जीन जो है वो ओरिजिनल रहना चाहिए। उसमें वाइल्ड वैरायटी में सिर्फ सिर्फ जो रस्ट रेजिस्टेंट जीन है कैपिटल आर वो सिर्फ उसमें जाना चाहिए। अब इस ये मैं कैसे करूँगा ये देखिए, अब हम आगे देखते हैं। देखिए मान लीजिए जो ये कैपिटल ए है ये इसको मैंने डिनोट किया स्मॉल आर के साथ, जो ये स्मॉल आर है मेरे पास ये रस्ट ससेप्टेबल है, और ये बी ये मेरे पास ए वैरायटी आई है ना, और जो ये बी वैरायटी है मेरे पास ये रस्ट रेजिस्टेंट है, ये एक वाइल्ड वैरायटी है, तो ये डोनर होगी है ना, तो इसमें कैपिटल आर मेरे पास प्रेजेंट है। जब मैं इन दोनों में क्रॉस कराऊंगा तब मेरे पास क्या क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, जो ये मेरे पास बनेगी ये F1 जनरेशन मेरे पास बनेगी, तो ये रस्ट रेजिस्टेंट, क्योंकि देखो इसमें आर जो है कैपिटल आर प्रेजेंट है तो ये रस्ट रेजिस्टेंट बनेगी। अब इसको मैंने हाइब्रिड क्यों कहा, क्योंकि 50% जो है वो मैं इस वाइल्ड वैरायटी से आ रहा है, 50% जो है वो पॉपुलर वैरायटी से आ रहा है जीन, तो 50% इसमें ए का जीन होगा, 50% इसमें बी का जीन होगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, ये मैंने फर्स्ट ईयर में बनाया, F1 बन गई फर्स्ट ईयर में मेरी, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे 99% जीन ओरिजिनल वैरायटी का चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब मैं इस वैरायटी, अब मैं जो F1 जनरेशन को लूँगा, F1 जनरेशन को मैं क्रॉस कराऊँगा किसके साथ, इसके साथ जो मेरे पास मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है इसका, ये स्मॉल आर के साथ। क्यों मैं उसके साथ क्यों नहीं कराऊँगा, क्योंकि देखिए यही तो इसी का तो जीन मेरे को चाहिए ना, मैक्सिमम मुझे इसी का तो जो जीन 99% इसी का जीन चाहिए। देखिए अब जब मैं इस मैंने इसके साथ कराया ना, देखिए इसको जब मैंने क्रॉस कराया इसके साथ तो ये बैक क्रॉस वन इसको मैं कहूँगा, जो ये बैक क्रॉस वन होगा, देखिए हमने कैपिटल आर जो इस जो ये वाला पेरेंट था इसका यूज़ हमने सिर्फ F1 बनाने के लिए किया, और जब मैं F1 को क्रॉस करूँगा इसके साथ, इसको मैं फिर जब मैं बनाऊँगा ना, ये F2 नहीं बनेगा मेरे पास, ये बैक क्रॉस ही बनेगा, क्योंकि F2 तब बनता जब मैं इसकी सेल्फिंग कराता F1 की, ठीक है। अब जो ये मेरे पास ये डोनर पेरेंट था वाइल्ड स्पीशीज़ का, इसको मैं कहूँगा नॉन रिकरेंट पेरेंट, क्या कहूँगा मैं, नॉन रिकरेंट पेरेंट, क्योंकि मैंने इसका एक ही बार इस्तेमाल किया है, और इसको मैं क्या कहूँगा, रिकरेंट पेरेंट। अब देखिए जो मेरे पास ये जब मैं बैक क्रॉस वन कराया, जो मेरे पास ये बना ना ये, अब देखिए देखिए इसमें जो ये कैपिटल आर स्मॉल आर है इसमें ए का जीन कितना है, आप बताइए 50% है कि नहीं है। इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ, 50% इसमें ए वैरायटी का है, ठीक है। अब इसमें कितना है ए वैरायटी का, 100%। ये आगे कितना देगा, 25% आगे प्रोजेनी को अपनी, आधा देगा ना, तो ये भी कितना देगा, 50%। तो 50 और 25 कितना हुआ, 75। इसमें कितना होगा ए, 75%। देखिए अब ये बैक क्रॉस वन हो गया, सेकेंड ईयर में मैंने बैक क्रॉस वन किया, थर्ड ईयर में मैं क्या करूँगा, देखिए इसमें ए कितना होगा, जो कैपिटल ये तो यही है ना,
इसमें 75 होगा, जब 75 को मैं ये आगे कितना ट्रांसफ़र करेगा, 75 का हाफ कितना होता है 37.5, और इसमें कितना होगा 100, ये कितना करेगा, फिर ये भी 50% करेगा। अब मैं जब 50 को 37.5 से प्लस करूँगा तो कितना आता है मेरे पास, 87.5, इसमें कितना होगा 87.5, तो ये कितना आगे, ये क्योंकि ये यही है, 87.5 आगे कितना ट्रांसफ़र करेगा, 87.5 का हाफ कितना होता है 43.75। ये जो है ये वही पैरेंट है मेरे पास पॉपुलर वैरायटी का। ये 50% करेगा तो 50 + 43 कितना होता है 93.75, इसमें कितना होगा 75। ठीक है, अब देखिए 93.75 में से हाफ, 93.75 का हाफ करेंगे 46.87 आता है हमारे पास, यहाँ से कितना होगा 100%, तो इसमें कितना होगा 50 + 46 कितना होता है 96.87। और देखिए अब 96.87 इसमें होगा, इसका हाफ कितना होगा 48.43। को जब मैं प्लस करूंगा 50 के साथ कितना आएगा 98.43, है ना, परसेंट ए वैरायटी का इसमें जीन होगा। तो अब मैं क्या चाहता था कि ए वैरायटी का 99% ओरिजिनल जीन जो मेरी वैरायटी नई वैरायटी में होना चाहिए। देखो अब आप सोच रहे होंगे जो ये दूसरा है ये कहाँ जाएगा, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, इस वैरायटी को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, और यहाँ देखिए ये वैरायटी को भी मैं रिजेक्ट कर दूंगा। समझ आ गई बात, देखिए ऊपर, अब देखिए मैक्सिमम जो टाइम्स में क्या होता है, इसी जो बैकक्रॉस 5 जब आ जाता है, बैकक्रॉस 5 सिक्स्थ ईयर में, तब हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि 98.43 लगभग 99% ही हुआ ए का जो इसमें कैरेक्टर आ जाता है सेवन्थ ईयर में। लेकिन फिर अगर ज़्यादा ही हमें थोड़ा डीप जाना है तो हम क्या करेंगे, हम फिर इस 98.43 को जब हम देखो या इसमें कितना होगा 98.43, इसका हाफ कितना होगा मेरे पास 98.43 का 49.21। तो इसको जब मैं ये 100 है, 100% है, कितना होगा मेरे पास 50%। अब मैं इसको जब प्लस करूँगा कितना आएगा 99.21%, मतलब कि 99.21% ए का इसमें ओरिजिनल जीन प्रेजेंट होगा। बात आ गई समझ आपको, ठीक है। अब देखिए फिर जब इसको जब मैं इसे ये वैरायटी लूँगा, मैं 7 साल में मेरे को ये कंप्लीट बैक क्रॉस जो होंगे, बैक क्रॉस 5 से 6 बैक क्रॉस मैंने कर लिए, ठीक है, सेवन्थ ईयर तक, ठीक है। अब देखिए अब जब एट्थ ईयर में मैं इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करूँगा, जब इस वैरायटी को मैं ग्रो करूँगा तो इसकी इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करूँगा, फिर मैं इसको इसी को ग्रो करूँगा नाइन्थ ईयर में, रोज़ में ग्रो करूँगा, फिर जो बेस्ट रो होगी उसको सिलेक्ट करूँगा मैं, जो उसमें बेस्ट रो होगी उसको जब मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं प्रिलिमिनरी ट्रायल कराऊँगा। अगर आपने पिछली मेरी वीडियोज नहीं देखी वो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है प्रिलिमिनरी ट्रायल क्या हुआ, मल्टी लोकेशन ट्रायल क्या हुआ, ये सारा 11th ईयर में मैं करूँगा। 11th to 13th ईयर में मैं मल्टीप्लिकेशन फिर करूँगा इसकी और फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, नहीं 11th to 13th ईयर में मैं मल्टी लोकेशन ट्रायल करूँगा, जो 11th ईयर है ना उसमें मैं, ठीक है, 11th to 13th ईयर में मैं क्या करूँगा मल्टी लोकेशन ट्रायल, और 14th ईयर में मैं क्या करूँगा मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ये गलत हो गया था, ठीक है। अब मेरे पास ये कंप्लीट हो गया बैकग्राउंड, और जो इसमें देखो
जो यहाँ पर कंडीशन में क्रिएट करूँगा ना, यहाँ पर मैं डिजीज़ एपिफाइटिक कंडीशन क्रिएट करूँगा यहाँ ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे पास हमने अभी तक समझ लिया, ठीक है। हम इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।